हिंदी हिंदी किताब का, हिंदी पुस्तक का पीठिका यानी पूरक पुस्तक जो आपको अतिरिक्त पुस्तक है वो पुस्तक है कृतिका। और कृतिका में आपको तीन चैप्टर पढ़ना है, तीन चैप्टर पढ़ना है, उसमें से माता कांचन, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ, ये तीन ही चैप्टर पढ़ना है। और इसके दरमियान जो है, और आज माता का अंचल है, इसके लेखक है सिपुजन सहाय। और पाठ का उद्देश्य है माता पिता के प्रति या माता पिता के साथ बच्चों का प्रेम, बच्चे किस तरह से अपने माता पिता से प्रेम करते हैं या माता पिता अपने बच्चे के साथ किस तरह से प्रेम करते हैं, ये चीज को दर्शाया गया है। और चूंकि सिपुजन सहाय आंचलिक कहानी लिखते हैं, आंचलिक मतलब गाँव घर की कहानी अधिक लिखते हैं और गांव घर की भाषा भी अधिकतर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो हम लोग बोलचाल की भाषा में गांव घर में बोलते हैं, उस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आसानी से समझ सकते हैं। अब रही बात की कहानी, हम शुरुआत करते हैं बच्चे का पिता के साथ संबंध। तो लेखक जो सिपुजन सहाय है, समझिए वही बच्चा है और उसके पिता है और उसके माता है। उसके पिता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। प्रतिदिन वो रामायण पढ़ते हैं, सुबह नहाते हैं, तो सुबह पहले स्नान करते हैं, वो चौकी लगी हुई होती है, चौकी पर बैठ कर के स्नान करता है, छोटा मोटा चौकी रहता है। तो साथ में अपने बच्चे यानी भोलानाथ को जो है सो नहला देते हैं और उसको ले जाकर के अपने साथ ही बैठाते हैं जहाँ पर ये रामायण पाठ करते हैं। रामायण पाठ करने के दरमियान उसको भभूत लगा देते हैं, तिलक यहाँ पर लगा होता है भभूत, और इस तरह से वो खासे बम भोला हो जाता है। तो पिताजी उसको नाम बम भोला के नाम से बुलाता है, ऐसे बचपन का नाम उनका वास्तविक नाम ताकेश्वर नाथ है, तो बम भोला या ताकेश्वर नाथ दोनों का प्रजावती शब्द ही है। तो यहाँ लेखक का नाम भी सिपुजन सहाय है यानी शिव का पूजा करने वाला सिपुजन। तो इस तरह से शिव से इनका खासे नाता है। अब जिस तरह से रामायण पाठ प्रतिदिन करते हैं, तो रामायण पाठ करते करते वो करने के बाद वो रामायण वही लिखते हैं, 1000 बार कम से कम वो कागज पर राम 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 लिखते हैं। और उन कागज के आटा गुथा हुआ के साथ उसको गोली बनाते हैं और गोली बनाने के साथ उसको वो मछली खिलाने के लिए गंगा पर ले जाते हैं। तो चलिए, इसको तिलक लगाने के बाद जब मंगोला बन जाता है और इस तारकेश्वर नाथ, वो उस समय दरमियान में कभी कभी वो आईना देखता है। ये तारकेश्वर नाथ जो है बचपन में छोटा बच्चा है, वो 5-6 साल का होगा, तो वो क्या करता है, आईना देखता है। जब उसके पिताजी उसको देखते हैं तो वो शर्मा करके आईना रख देता है और इस तरह से जो है वो अपना व्याकरण करता है। उसके बाद अगले जब रामायण पाठ समाप्त हो जाता है तो इसके साथ वो खाना उसी के साथ, पहले उसके साथ वो गंगा नदी जाता है। गंगा नदी प्रतिदिन उसका पिताजी जाता है और जो राम नाम लिखता है उस राम नाम में एक एक कागज वो आटा के लोई पर उसको लगा दिया जाता है और वो एक एक करके जाकर के मछलियों को खिलाता है। ये हमारा परोपकारी दिखाता है कि ये परोपकार है, ऐसा करना चाहिए, दूसरे को खिलाना चाहिए, पशु पक्षियों को खिलाना भी हमारा धर्म है, गरीबों को दान देना खिलाना ये हमारा धर्म है। तो वे धर्म प्रवृत्ति के हैं, तो रामायण पाठ करते हैं, राम नाम लिखते हैं, एक वही राम राम का वही भी है। ऐसे जो लोग राम भक्त हैं वो लोग प्रतिदिन जो रामायण पाठ करते हैं तो एक वही रखता, मतलब एक डायरी जिसको कॉपी हम कह सकते हैं या मोटी कॉपी, और उसमें प्रतिदिन कम से कम 1000 बार राम लिखते हैं। यानी वो राम का नाम लेने से उसका धर्म बढ़ता है। तो इस तरह से वो खिलाने के बाद, मछलियों को खिलाने के बाद वो ले आते हैं। जब आते हैं तो कंधे पर चढ़ करके आता है, रास्ते में कहीं मान लीजिए कि झुकी हुई डाली मिलती है तो डाली पर वो बैठ करके झूला झूलता है। उसके बाद वो घर आता है, घर आता है तो अपने पिता के साथ ही वो खाता है, पिता के साथ ही सोता है, पिता के साथ ही नहाता है, यानी सारा समय वो अपने पिता के साथ ही बिताता है। सिर्फ संबंध जो है वो किसके साथ रहता है, तो माँ के साथ उसका दूध पीने का जो संबंध है, और बाद बाकी कोई संबंध उसके साथ नहीं रहता है, अधिकतर अपने पिता के साथ रहता है। अब रही बात उसकी माँ का क्या काम है, तो अपने माँ द्वारा बच्चे को खाना खिलाना। जब इसके ये खाना खिलाते हैं तो उसकी माँ को पसंद नहीं आता है कि बच्चा पेट भर के खाना नहीं खाया, तो वो खाता है कि बड़े बड़े को जब खाएगा तो दुनिया में खोल पाएगा। इस तरह से उसकी माँ जो है खाना खिलाती है, तोता मैना के नाम पर खाना खिलाती है कि तोता मर जाएगा खाना खा लो, ये मैना के नाम पर खाना खा लो, ये
दो चार पक्षी मोर, तोता, मैना, कौवा, इसके नाम से वो खाना खिलाती है। भरपेट खाना जब खा लेता है तब उसको पकड़ करके वो माथे में वो बड़े बड़े बाल रखा है, क्योंकि छोटा बच्चा है, हो सकता है कि कहीं छोटे बच्चों को बाल अक्सर छोड़ दिया जाता है, तो उस तरह से छोड़ दिया जाता है, तो उसको पकड़ करके वो तेल लगा देती है, उसको कंघी कर देती है और उसके रुमाल बांध देते हैं लट्टू की तरह, वो खासे जो है सो कन्हैया बन जाता है, उसकी माँ की नज़र में वो कन्हैया बन जाता है। इस तरह से जब गोल बना देता है लट्टू के जैसा तो वो कन्हैया बन जाता है और इस तरह से वो खेलने के लिए अपना साथी के साथ चला जाता है। अब रही बच्चों की बराती, अब बच्चा लोग खेलता है तो बच्चे लोग खेलता है तो गांव घर में जानते हैं कि कोई कितनी खेल रहा है, तो कोई कुछ खेल रहा है, तो कोई लूडो खेल रहा है। आज के ज़माने में लोग लूडो खेलता है तो उस ज़माने में उस तरह से लूडो का शायद नहीं हुआ होगा। तो बच्चे शादी गवाह का खेल खेलते हैं, मान लीजिए चार पांच बच्चे हैं या छह बच्चे हैं, तो उसी में से कोई समझी बन गया, कोई लड़की का बाप बन गया, कोई लड़का का पिता बन गया, और वो बाराती कहाँ से जाता था तो वो बरामदे का एक कोने से दूसरे कोने में बाराती जाता था। वो पालकी में जो है सो दुल्हन आती थी, वो चूहेदान को पालकी बना देता था। तो इस तरह से वो शादी होता है या उधर पार्टी होती है तो उस समय उसके पिता आते हैं, जैसे ही वो घूंघट उठा करके दुल्हन को देखना चाहते हैं सभी बच्चे भाग जाते हैं हंसते हुए। तो इस तरह से ये बाराती का खेल समाप्त होता है। अब बच्चा मंडली द्वारा खेती करना, अब खेती करने के लिए क्या करते हैं कि चबूतरे से ऊपर उन लोग कुआं बन जाता है, वहां से रस्सी से पानी खींचते हैं, सिंचाई करते हैं और बालू का, मिट्टी का, कंकड़ का बीज होता है और ये बीज जो है सो वो बोते हैं। और बच्चों का खेल में फसल पकने में कितना देर लगता है, 10-5 मिनट में पक जाता है, फिर वो काट लेते हैं, फिर खेती करते हैं। तो उस समय वो भोला के पिताजी आते हैं और उसे पूछते हैं कि भोला इस साल की खेती कैसी रही, तो लोग फिर वो छोड़ छाड़ करके वहां से भाग जाते हैं। यानी ये दिखाया गया है कि जब भी लोग कोई काम करता है उसका पिताजी आते हैं और फिर वो खेल उससे समाप्त हो जाता है। अब रही बात बच्चों की, बात इसमें ये लोग जब खेलते हैं बाराती का खेल खेलते हैं या खेती करते हैं तो उस समय ये लोग तुकबंदी भी करते हैं। जानते हैं कि बच्चे को अगर कोई तुकबंदी सिखा दिया जाता है, कोई आजकल के बच्चे को पोएम सिखाया जाता है इंग्लिश का, कोई हिंदी का मोबाइल से, तो उस समय तुकबंदी हुआ करता था, गांव घर में तुकबंदी होती थी, तो उस तरह से तुकबंदी करते हैं। बच्चे कहते हैं कि माँ पकाए घर घर कुआ, हम खाए कुआ न खेल जुआ है। तो इसमें संदेश भी है, इसमें संदेश भी है जो है माँ पकाए घर घर कुआ, यानी कुआ पकाता है हम लोग खाएंगे लेकिन जुआ नहीं खेलेंगे। तो एक सीख भी है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा है कि जब वर्षा होती है बहुत तेज से, तो वर्षा होने पर क्या करता है कि बच्चों जो है सो वर्षा को उधर ही जाने के लिए जो है वो कहते हैं कि भाई एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरी बिखराई, उधरे छितराई। और एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे छितराई। और इस तरह से वो लोग तुकबंदी करते हैं। अगर इस समय अगर मान लीजिए कि कोई शादी विवाह का मौसम होता है तो आजकल तो गाड़ी से लोग आते हैं, मारुति से या तो स्कॉर्पियो से या तो फिर कोई गाड़ी कीमती सिकीमती गाड़ी पर दुल्हा जाता है, दुल्हन को लेकर के आता है। उस समय पालकी की व्यवस्था होती थी, तो अगर कोई पालकी पर कोई दुल्हन लेकर के आता था, एक बार इसी तरह से एक आदमी थोड़ा सा अधेड़ उम्र का था, हो सकता है कि नेक्स्ट मैरिज होगा उसका, दूसरा थोड़ा सा बूढ़ा जैसा था और खड़ूस था देखने में से, वो बच्चे के अनुसार वो घोड़ा मार था। तो इस बच्चे ने सोचा कि भाई कि ये कौन सा ससुर होगा ये घोड़ा मार दामाद अपना चुना है, यानी उसका ये ठीक नहीं था। तो लोग बीच में ये पालकी को देख करके शरारत करते हैं, है ना, शरारत करते हैं और तुकबंदी भी करते हैं। तुकबंदी करते हैं कि रहरी में पुरान रहरी, डोला में बैठी दुल्हन हमार में। कहने का मतलब है कि रहरी यानी अरहर जिसको बोलते हैं, तो अरहर में से पुरान अरहर और डोली में जो बैठी है दुल्हन हमारी पत्नी है। तो ये जब सुना उस बूढ़े खड़ूस दुल्हा ने तो पत्थर लेकर के मारने के लिए दौड़ा, इन लोग वहां से भाग जाता है। और इसके बाद ये शरारत हो गया। अब गांव में से एक मुसल तिवारी
नाम का एक बूढ़ा रहता है, वो थोड़ा सा वो भी खड़ूस रहता है, बच्चे के साथ वो शरारत करता है, बच्चों को वो देखने नहीं सकता है, तो ये लोग उसका धोती जो है धोती खोल देता है और बच्चे उसको देख करके भूषण तिवारी को चिढ़ाता है और तुकबंदी करता है कि बुढ़वा मांगे करेला का चोखा। ये तुकबंदी करता है तो बूढ़ा वो बहुत चिढ़ जाता है और बहुत चिढ़ जाने के बाद वो लाठी लेकर तो मारने के दौड़ता है, बूढ़े के आदमी के पास लाठी रहता ही है मारने के लिए दौड़ता है तो सभी हता सब भाग जाते हैं और इतना से उसका मन नहीं भरता है वो सीधे स्कूल चला जाता है और स्कूल में जाकर के अध्यापक को शिकायत कर देता है और वहां से वारंट भी लगता है गिरफ्तारी का कि जो जो ऐसा शरारत किया उसको पकड़ के लाइए। अब सबको जो है इधर उधर हताशा होकर के कोई दौड़ करके भागा तो किसी को कुछ हुआ किसी का कुछ हुआ है, इसमें से पकड़ा जाता है भोलानाथ। अब भोलानाथ को जो है सो अपना घर आ जाता है दौड़ करके और आकर के रोने लगता है रोने लगता है। उसके बाद उसका पिताजी क्या करता है उसको लेकर के अध्यापक के पास जाता है। उसके बाद अध्यापक बोलता है कि इस तरह से शरारत नहीं करना चाहिए और तो उसके भोलानाथ के पिताजी बोलते हैं कि मेरा बच्चा इस तरह से नहीं किया है। तो बोला अच्छा ठीक बात है, वो रो रहा था उधर से वो स्कूल से लेकर के उसको जैसे ही आया तो उसके बच्चे सारे खेल रहे थे, चिड़िया खेत में चुग रही थी और चिड़िया को देख करके जो है ये लोग तुकबंदी करता है क्या कि ये लोग तुकबंदी करता है चिड़िया चिड़िया क्या करता है कि बच्चों का चिड़िया की जान जाए बच्चों का खेल खिलौना इस तरह से तुकबंदी करता है और बच्चों को देख करके वो रोना धोना छोड़ देता है, सिसकना भूल जाता है। क्वेश्चन भी आपका है कि भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना क्यों भूल जाता है, तो बच्चों का सबसे प्रिय खेल होता है और जब उसके साथी मिल जाते हैं और खेलने में मशगूल हो जाते हैं व्यस्त हो जाते हैं बिजी हो जाते हैं तो वे रोना धोना भूल जाते हैं, वो सारा चीज भूल जाता है। तो इस तरह से अपने बच्चों को खेलते हुए देख करके अपने पिता के गोदी से उतर करके वो दौड़ करके जाके उन लोगों के साथ खेलने लगता है और चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता है। यहां तक तो बात हो गई। अब रही एक दिन बात कि एक दिन पूरी वर्षा हुआ, वर्षा होने के बाद आंधी तूफान के साथ वर्षा हुआ, उसके बाद आम बहुत से गिरे, आम गिरे तो बगीचों में जाकर के लोग आम चुनने लगा, बिच्छू भी निकल गए। गर्मी के मौसम में जो है सो पानी निकलने के बाद बिच्छू सांप बिच्छू निकलता है तो ये देख करके डरते थे। एक उसमें से एक जीप था एक लड़का जो बिच्छू को पूंछ में पकड़ करके दूसरों को डराता था, है ना। तो वहां से ये लोग क्या किया कि बगीचे में एक जगह चूहे के बिल दिखाई, अब चूहे के बिल दिखाई दिया तो ये लोग ने क्या किया कि चूहे के बिल में जो है पानी डालना शुरू कर दिया। अब पानी जब डालना शुरू कर दिया तो उसमें से क्या होता है कि वहां चूहा तो नहीं निकला लेकिन उससे चूहे को बचाने के लिए गणेश जी के वाहन को बचाने के लिए शिव जी का सांप निकल गया। अब सांप निकल गया तो सारे बच्चे हताश हो गए, डरने लगे, जो जैसा सका दौड़ने लगा, कोई घुटने के बल गिरा, कोई चित गिरा, कोई किसी की छिल गया, तो किसी की दांत पे चोट आई, किसी को खून गिर, ये हताशा बेहताशा जितने बच्चे थे सब दौड़ करके सांप को देख करके इतने डर गए इतने भयभीत हो गए इस सभी अपने अपने घर की ओर भाग गए, उसमें से बहुतों को चोट आई। उधर से भोलानाथ दौड़ता हुआ अपने घर आ रहा था, उसको भी चोट लगी थी। तो ओसारे पर यानी बरामदे पर उसके पिताजी थे, अभी तक हम लोग जाने कि उसके पिताजी के साथ ही सारा समय उसका बीतता था, पिताजी के साथ ही खाता था, उसी के साथ सोता था, उसी के साथ नहाता था, उसी के साथ अधिकतर समय उसी के साथ रहता था, मां से सिर्फ संबंध उसका दूध पीने का था, इतना ही समझ। लेकिन उसारे पर यानी दरवाजे पर उसके पिताजी ही थे तो पिताजी से वो इतना डरा हुआ था कि पिताजी से वो कुछ कहा नहीं और सीधे वो अंदर चला गया और अंदर चला गया और अपनी माँ की गोद में जाकर के सुबह करके वो रोने लगा और सांप 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 यानी सांप भी नहीं बोले पा रहा, इतना डर गया। ये देख करके उसकी माँ भी रोने लगी कि बच्चे को आखिर क्या हो गया, ये संदेह होने लगा कि किसी सांप ने काट लिया या कहीं कुछ हो गया, कहीं डर गया, कहीं कुछ हो गया। इस तरह से उसकी माँ भी संकट हो गई यानी संदेह उसको होने लगा। उसके बाद वो उसमें सुबह सुबह करके जो है उसकी माँ पूरा उसको लाड़ करती है प्रेम करती है, वो सुबह सुबह करके उसमें सो जाता है। तो हम लोग ने देखा कि पिताजी के साथ रहते हुए भी उस समय अपने पिताजी के पास वो नहीं पहुंचता है, वहां सुरक्षित वो नहीं समझता है, बल्कि बच्चा सबसे सुरक्षित स्थान जो है माँ की आंचल को यानी माँ की गोद को ही समझता है।
यानी ममता माँ की। आप गाड़ियों में लिखे देखे होंगे, अगर कहीं आप आना जाना करते हैं तो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सारी दुनिया माता के आंचल में, है ना। तो इस तरह से सबसे सुखमय, सबसे आनंद, सबसे शांति वो माँ के आंचल में ही यानी माँ के गोद में ही मिलता है। तो आकर के सबसे सुरक्षित स्थान उसको वहीं मिला, वहीं आकर के वो सुरक्षित समझने लगा और इस पाठ का नाम भी है माता का आंचल। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगर मान लीजिए कहीं समझ में नहीं आता तो इसके लिए सवाल आप कर सकते हैं और अगले दिन इसका प्रश्न उत्तर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।